चल बच्चे चल, तेरी ट्रक पीछे ले ले। अबे देखता क्या है? जानता नहीं, राजावाड़ी के गणपति से पहले इस इलाके का दूसरा कोई गणपति नहीं डूबता। अगर तेरे को पता नहीं है ना तो बताता हूँ, गणपति तेरा या मेरा है एक ही, और डूबेगा भी एक ही पानी में। और ये रास्ता तेरे बाप का नहीं है जो बच्चों की तरह पटाखे उछालते रहो। एक बार सबक दिया था वो याद नहीं, या अभी तक खून में गर्मी बाकी है? वो तो मैं शरीफ था जब मेरे खून में गर्मी थी, अब वो मेरे दिमाग में उतर आई है, इसलिए तू तेरा दिमाग ठंडा रख, अगर दिमाग हो तो। तेरी तो इसकी धार पर तो आज तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है रवि। इसके ऊपर तो तेरा नाम तब से लिखा है जब से मैं जेल से बाहर आया। देखते हैं किसके खून से किसका नाम मिटता है। सुबलिया, क्या हुआ रवि? कुछ नहीं, सुबलिया मुझे ट्रक पीछे लेने को कह रहा था, मैं उसे प्यार से समझा रहा था, मेरे ट्रक को रिवर्स गियर नहीं, मानने को तैयार नहीं। यहाँ के हालात और तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं क्या क्या प्यार की बातें हो रही थी। पूछ लो ना उसे। मैं ये ट्रक किसका है? ये मेरा है। चलो इस ट्रक को आगे बढ़ाओ। ओपन साहब, शट अप। त्योहार का मतलब होता है एक दूसरे को खुशियां बांटना, एक दूसरे गले काटना नहीं। रवि अपना ट्रक आगे बढ़ाओ, चलो। आ जाती, मुझे तो लगता है ये एमी फेंक रही है, मैंने तो इसके पास कोई पर्स वर्स देखा नहीं। इतना बड़ा पर्स थोड़ी था, इतना छोटा सा पैकेट था जो मैंने यहाँ रखा था। यहाँ रखा हुआ पैकेट किसी ने निकाल लिया और तुम्हें पता ही नहीं चला? अरे मुझे क्या मालूम वो पर्स निकालने वाला है। अच्छा भाई मैं तो चलती हूँ इस तरफ से। अरे ये टाइकलवाड़ी की लड़की है ना? हाँ वही दी। चल देखे तो। चल चल देखे। हाँ वही तो है। तेरा नाम क्या है? सुबलिया, दोपहर को बहुत हंसती थी छमिया। अच्छा, हमने तो देखा ही नहीं। ए जरा हंस के दिखा ना। ये अपन लोग के सामने नहीं हंसे की सुबलिया, ये तो रवि और उसके दोस्त लोग के सामने। अबे गलत बोला, अब ये उन लोगों के सामने रोएगी है, क्योंकि इसके हंसने का आखिरी मौका है। ये तो चिल्लाती भी एक बार और साले अकेले से लड़ रहा। साले छोड़,
ये हनुमान गली ले चलना। कहाँ ले गए? अर्जुन को जीप में डालकर हनुमान गली ले गए। भवन को चलते बोल, हनुमान गली में टेम्पो लेते हैं। अच्छा, जाता हूँ। चार दिन ऐसे भूखा बंदा रहेगा ना तो राजावाड़ी के लौंडों के साथ पंगा लेना भूल जाएगा। देखता हूँ कौन सा बाप तेरे को छुड़ाने को आता है। क्यों बे, बियर पिएगा क्या? तेरे बाप लोग आ गए साले, देख देख तेरे बाप लोग आ गए। मेरे को ले गया तेरा, शाम को उठा के अकेले में पाके हैं। पांच जने थे तुम लोग, एक तो जानता हूं मैं, ये भी था। क्यों नहीं बोल रहे हो? हराम जादे, तू आ मेरे सामने, आ मेरे सामने। अबे साले देखता क्या है? सुना मेरे को रवि, ये भी था। दो ही हाथ है मेरे, देती हूं। मालती, इससे कह दो ज्यादा ओवर टाइम न किया करे, रात को घर जल्दी आया करे। बेटा कुछ नहीं, वो महाभारत, महाभारत पढ़ रहा हूँ। महाभारत? कौन सा पर्व पढ़ रहा है? द्रौपदी का वस्त्र हरण। अच्छा अच्छा, ऐसी किताबें पढ़ते रहना। हाँ अच्छा, हाँ
मैं चलती हूँ, रात को देर से आऊंगी, ओवर टाइम है। अच्छा अर्जुन। हाँ आया मां, मैं चलता हूँ। रघु दो चाय भेज रहे। चक्र कहाँ रहे? मालूम नहीं, सवेरे से नहीं मिला आप उनको। ए लाले इसमें तीन सिगरेट थी, दो कहाँ चले गए? अरे अपना राजा आया था ना कोलीवाड़ा से, रात को 12:30 बजे साले ने सिगरेट मांगा और तूने दे दिया। साला नवाब बन गया ना, पूरा दिन निकालना बाकी रह गया। चल अपन एक दिन का था तब से बगैर माँ बाप के पला, तू एक दिन सिगरेट के बिना नहीं रह सकता। अबे ओ महारथी करण के छठवे, अपना महाभारत बंद करो, सिगरेट मंगा यार। ए नहीं भाई अपना बहुत उधार हो गया क्या, तो और थोड़ा हो जाएगा यार। ए पंडित लालिया के खाते में एक पैकेट दे चांस का। अरे सुबह की बोनी उधारी में कराओगे क्या? 5 साल में गिनती से 10 दिन भी नहीं गए होंगे जब नकद से बोनी की होगी तुम लोगों ने। उधार नहीं देना है ना, तोहफा समझना। ये धंधा तो छोड़ना ही पड़ेगा। कल क्या हो गया रे इंटरव्यू का? कुछ भी नहीं यार, मैं तो पिक्चर जाके बैठा था दौलत में। क्यों वहां क्यों नहीं गया? गया था, पता चला 5,000 की सिक्योरिटी चाहिए, ऊपर से कैंडिडेट्स भी इतने ज्यादा थे कि चांस लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर क्या, 5,000 कहां से लाता, इंटरव्यू के बगैर ही चलाया। लेकिन एक बात की बड़ी खुशी हुई दोस्त, अब तक सारी कंपनियां मुझे नापसंद करती रही, कल मैंने एक कंपनी को नापसंद कर दिया। क्यों? अरे तुम लोग दुबई में क्यों नहीं जाते यार? हाँ वहां जाना बहुत आसान है। वही तो कह रहा है। अरे वहां जाके पब्लिक ने क्या माल कमाया है बाप, कसम से। अपना फ्रांसिस है ना, फ्रांसिस एक जमाने में खाने के वांदे थे उसके, अपन ने खुद ने उसको कारपेंट्री का काम दिलाया है क्या? साला दुबई गया क्या, घर में टेलीविजन वीडियो फ्रिज। अरे पकड़ पकड़ पकड़, घर वालों की चांदी है चांदी। उसका छोटा भाई है ना, छोटा भाई वो तो साला चड्डी भी इंपोर्टेड पहनता है। ये तो साला पढ़ लिखा इंजीनियर है यार। ये ज्यादा पढ़ लिख कर अब दोनों तरफ से मारा गया है। आजकल तो दो ही लोगों को काम मिलता है, जो बहुत नीचे है मजदूरी करते हैं या तो बहुत ऊंचे है। बीच जैसे बीच वाले लोगों का हाल तो बीच वालों जैसे हो गया, ताली बजाओ और पैसा मांगो। तो तूने पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिया यार, क्या कर लिया तूने? तेरे जैसे इंजीनियर को भड़का के खड़ा कर दिया, ये क्या कम उखाड़ा? रवि इंजीनियर है ना, मजाक नहीं समझता। अर्जुन बैठ बैठ। देख हम लोग पढ़े लिखे पर नामर्द नहीं है, यही असली गोची है। सबको चाहिए चमचे, अपना हक ना मांगने वाले, उनको जूते चाटने वाला नौकर चाहिए और हम उन लोगों में से नहीं है। मेरी तो ऐसी सड़कती है जब इन भेड़ बकरियों की तरह जाते लड़कों को देखता हूं ना, पता नहीं कब ये खुदगर्ज मेंटालिटी कर लोगे। तू क्या अलग है इन लोगों से, तू भी तो दूसरों की फिलॉसफी चबाते बैठता है, खुद के ख्याल है तुझमें? सिर्फ एक जंग होनी चाहिए तब तो ये बड़बड़ाता रहता ना, लेनिन मार्क्स सब किताबों में रह जाएगा, नजरिया बदल जाएगा पूरी जिंदगी का। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे अभी अभी हिटलर के साथ में नाश्ता करके आया। नहीं नाश्ता तो नहीं किया, लेकिन उसके जहनियत को बहुत नजदीक से देख चुका हूं।
शशि भाई तेरी मंगेतर। अर्जुन भाई मेरी भाभी आ गई। हाय भाभी। ए शशि जी, अपने मित्रों से कह दीजिए मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी मर जाओ तेरी नजाकत पे। चलो बाहर आइए ना, कुछ बातें करनी है, खास है। सुबह खबरें खराब करने को आता है। शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? ए जा जा। साला जाता कि नहीं कि तू है गुलदार की। हट जा कट्टी तेरी। शशि जी कट्टी। तू हर बात पे चिढ़ता क्यों रहता है यार? बुद्धि से बेचारा कमजोर है, उसमें उसका क्या कसूर है? हाँ ये पागल, वो विधवा, वो भिखारी, घर में हर नजर में गाली देने वाली एक भाभी और तुम जैसे बेकार दोस्त, इन सब के साथ 24 घंटे रहता हूं मैं और फिर भी तुम कहते हो कि अपना दिमाग ठंडा रखो। आई गो क्रेजी एट टाइम्स। मर जाओगे किसी दिन खुदकुशी करके। हाँ तुम ऐसी फालतू मौत ही मरोगे। क्यों आते हो यहाँ, कुछ करना नहीं है? आदत हो गई यहां बैठ के सड़ने की मेरे जैसे। यार अपना तो ठीक है, यार तुम मत आओ यहां, मत आओ, नहीं आएंगे, मत आओ, नहीं आएंगे। ए अर्जुन ज्यादा मत देख, रात में नींद खराब कर देगा। एक बात है यार, नौकरी के बारे में भले ही हमारा नसीब खराब हो लेकिन एक मामले में हमारा नसीब बहुत ऊंचा है कसम से। वो क्या? पाटिल का ये मकान। ये मकान साला ऐसी जगह पे है कि मैं तो अपने आप को बादशाह समझता हूँ। तो बादशाह इस मोहल्ले का, बादशाह इस मोहल्ले की हर गली कूचे वाला, मोहल्ले के बाहर जाते हुए या अंदर आते हुए ऐसा लगता है कि मुझे सलाम करके जाता है। और हमारे सामने है पंडित नवरत्न की वाम, शांताबाई केले वाली, बूट पॉलिश, रघु चाय वाला, अब्दुल फकीर और इस गोदाम के तख्त पे बैठने वाले अपुन है बादशाह लालिया। घोड़े की लीद और रेती बोरियों। ये बिल्डिंग का साहेब है, पिछली बार जो रमेश भवन में लफड़ा हुआ था ना मकान का, वैसा इसका ही फांदा हुआ है। तुमसे बात करने को बोलता है। मेरी 2 साल के लिए नागपुर बदली हो गई थी। मैं अपना फ्लैट एक आदमी को लीज पर दे गया था। अब उस पर उसका भाई जिसका नाम खन्ना है कब्जा करके बैठा है। वापस देने को तैयार ही नहीं। तो फिर कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाने से क्या फायदा? अपने ही मकान को हासिल करने के लिए सालों में केस लड़ता रहूंगा, पैसा बर्बाद करता रहूंगा और पता चला कि कानून बदल गया, जो जिस मकान में उसी का मालिक हो गया। और मेरी फैमिली भी गांव से आ चुकी है, होटल में ठहरी हुई है। कौन है बे? तो फिर यहाँ आ गया? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी खन्ना साहब। पर मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। बार बार चला आता ससुरा। तुम्हारा मकान मेरे भाई ने लिया था। लिया था कि नहीं? लिया था, मगर मगर अगर कुछ नहीं, वो 2 साल के लिए बाहर गया, वो आने के बाद आने का, समझा? मगर अभी मुझे जगह की जरूरत है, मेरी फैमिली। अरे तेरी फैमिली गई तेल लगाने को, तेरे को बोला ना तू कोर्ट का दरवाजा खटखटा, दोबारा यहाँ आने का नहीं, दोबारा यहाँ घंटी बजाने की नहीं। अगर आएगा ना उठा के बाहर फेंक दूंगा तेरे को। चलाओ यहाँ से। तुम लोग इधर रख, इधर रास्ता ना।
दोबारा अगर इस मोहल्ले में दिखाई दिया ना तो चीर के रख दूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो पैसे लाले के पास दे देना। किसी से उस्तादी करने से पहले खन्ना 10 बार सोचेगा जरूर। और नहीं तो क्या, साला कुलकर्णी से ऐसे बात कर रहा है जैसे उसके बाप का मकान हो। आज के लिए मकान के लफड़े बहुत बढ़ रहे, साला बाहर का पब्लिक आके बहुत राड़ा कर रहे। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है, राड़ा तो करेगी, दम है उनमें। दम क्या है? क्या दम? इन लोगों की जड़ें इस जमीन की तो है नहीं, इसलिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी इलीगल क्यों ना हो। तो तुम भी इलीगल कर लो, तुम्हें किसने रोका है? हम कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हमारा घर है, तेरी तरह मटके के अड्डे पे नहीं बैठ सकते हम लोग। तुझे पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन हमारे घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं। देख अर्जुन, जहाँ पैसा इकट्ठा होता है ना वहां तो लोग इकट्ठा होंगे, उस पैसे पे जितना तुम्हारा हक है उतना उन लोगों का भी है। तो क्या हमारी गलती है कि यहाँ पर पैसा इकट्ठा हो रहा है? अगर यहाँ के लोग मिलके अपना हक मांगते हैं तो हम पे रीजनलिज्म का दबाव लगा दिया जाता है। तो फिर छीन लो, हक मांगो मत, छीन लो। छोड़ यार। और पियोगे? नहीं यार, एक दो नहीं बस। चल चल। शर्म करके चल हट। कभी कोई बात हो ना तो मुझे बोलो, जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, बुरा नहीं माना। ना 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 ना, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, ला ला इनकार तेरा। शर्म नहीं आती ऐसे लड़कियों को छेड़ते हुए? तू नहीं छेड़ता लड़की को? मैं तो हर लड़की को अपनी माँ समझता हूँ। अच्छा, क्यों? उससे नियत साफ रहती है। अरे तेरी नियत का तो ठीक है, लेकिन तेरे बाप की नियत का क्या होगा? बदमाश कहीं के, बाप की जान ले। सारा नहीं सुधरेगा। हम मांगेंगे जवाब, तो हम मांगेंगे।
शान क्यों है, यहाँ भी क्यों है, वहाँ भी क्यों है, वही है राड़ा जहाँ भी क्यों है। लेकिन ये क्यों क्यों होती है यार, क्यों से फुर्सत मिले तो हम ये क्यों तुमको बतलाए। ऊपर वाला नीचे आए तो उसको समझाए, मजबूरों पे तो आए। अरे अपना मापक इस दुनिया में जी कर तो दिखलाए। हंसते हंसते आंसू पीले रोके तो मुस्काए। अरे दावा है जो दिन में उसको तारे नजर ना आए, करो बे, टाइम हो गया। लिखते ना यार, ये लिखते हैं। अरे चल चल। अरे रवि, जल्दी जरा टोटल लगा के देना। अय्याज। हाँ भैया। जा, ये गंगू के अड्डे पे जाके फिरा के। टिकट लगाना बिडू। अरे बाप, कौन बैठा है, क्या दिखते नहीं आजकल, तू है किधर, सुधर विधर गया क्या? देखना कितना सुधर है। सुना यार, गणपति में तेरा सुबला के साथ लफड़ा हो गया। हाँ बोलना, क्या हुआ था बोलना। कुछ नहीं रे, कुछ नहीं रे। हो गया क्या अपने? कुछ नहीं, मामूली बात है, तुम मजा करो। अपुन को पहले नहीं बोल सकता था ना, अपन कुछ तो इंतजाम कर लेता। अब कहाँ जाएगा हम लोग? किधर भी जाओ, मेरा मकान है, मैं कभी भी किराए पे उठा सकता हूँ। क्या बात है रे लाले? देख ना यार, पाटिल ने मकान किराए पे दे डाला। कैसा है साहब? अच्छा हूँ, इधर तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ साहब, मेरी ड्यूटी इसी एरिया में लगी हुई है। अच्छा, साउंड लेता रहूंगा मैं। हाँ। अच्छा, क्यों पाटिल, राणे को तूने बुलाया था ना? साला अपुन को नहीं बोला, और राणे को बोलने का टाइम मिल गया तेरे को। एक तो जब तक इस मकान में अपन रहता था ना, तो शराफत से हिफाजत करता था इस मकान की। शराफत दिखाई, यही तो गलती की, सीधे मकान में घुस जाना चाहिए था। ऐसे कैसे घुस जाएंगे, कानून नहीं है क्या? देख पाटिल, अब भी अगर मैंने चाहा ना तो लाले और चक्रे यही रहेंगे, और तू कुछ नहीं कर सकेगा। कर कैसे नहीं सकेंगे, इंस्पेक्टर राणे आज आया है तो कल भी ए चुप रे। आने दो, मैं भी देखता हूँ जिसको मकान दिया है
वो कैसे रहते यहाँ? चल ले ले। कितने हुए? 32 रुपए। नमस्ते। मकान तो सवेरे ही खाली करवा दिया था, आप ही लोगों का इंतजार था। आइए। और हाँ, वो आपको नल के लिए बोला था ना, वो इस गली में। क्यों, घर में नल नहीं? वो क्या है ना, ये मेरा मकान गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था, इसलिए कनेक्शन नहीं लगवाया। अब कुछ दिनों में कनेक्शन लगवा दूंगा। और हाँ माँ जी, अगर आपको कोई दूसरी परेशानी हो तो आप मुझे बताइएगा। माँ आप अंदर चलो, मैं सामान उतरवाती हूँ। आइए आपको मकान दिखा दूँ। भैया सामान उतारो, धीरे उतारो भाई, संभाल। आई रे फटाकड़ी आई। पानी चला गया क्या? नहीं आ तो रहा है। तो खोलता क्यों नहीं? अरे नल बंद है क्या? मैं क्या समझा था मालूम, जैसे पंखा तेजी से घूमता है ना तो दिखता नहीं है, ऐसे जब पानी तेजी से आता है तो दिखता नहीं होगा। अबे नल खोल। चले जग रहे लाइन मेरे, लाइन में रह रहे ला, लाइन मार रहे ला। अरे चुप, आपके इधर नाने को आया क्या? ए सामान संभाल के बात कर, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। शरीफ लोग रहते तो शरीफ मोहल्ले में रहने का, यहाँ तो ऐसे ही छोता और ऐसे ही छोएगा क्या? अरे तुम्हारी बाल्टी भर गई। अरे ये कौन सी नई बात है, ये तो रोज ही भरती है। चले चले छोटे, चल जल्दी कर, दूसरों को भी पानी भरने का है क्या? अरे हाँ हाँ जल्दी कर यार, थोड़ी देर में वरना पानी चला जाएगा। अरे फिर तो लफा हो जाएगा यार। ले पकड़। अरे अरे चल अपना ये हटा, चल जल्दी मत करना, खूब घस के नहाना, एक महीने से नहाला नहीं है तू। आहा क्या मजा है। इस मोहल्ले से तो नाक में दम आ गया, कोई दूसरा मकान मिल जाए तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ये रोज रोज की शरारत। अरे पानी चला गया क्या? अरे नाले भाई। ये बाल्टियां लेकर कहाँ गया था? अर्जुन सारा दिन तू क्या करता है मेरे कुछ समझ में नहीं आता, दिन भर गली के नुक्कड़ पर खड़ा रहता है, कभी बाल्टियां ले जाता है, कभी रास्ते पर नाचता है। अरे तेरे जैसे पढ़े लिखे लड़के को ये क्या शोभा देता है क्या? तो क्या करूं, ये डिग्री गले में लटका के घर में बैठूं या चाटूं इसे? 3 साल में कितनी कड़वाहट आ गई तेरी जबान पे, किसी बात का सीधा जवाब भी नहीं देता। तो मेरे लिए कौन सी हर बात सीधी तरह बनी है, कितनी मेहनत की, रास्ते के दिए के नीचे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी की, अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन नतीजा क्या निकला, आज 3 साल से एक नौकरी के लिए तरस रहा हूं। और हमने भी क्या कम मुसीबतें उठाई है तुम्हारे लिए, तेरी पढ़ाई के लिए, दिन रात कारखाने में काम करते हुए तुम्हारे पिताजी के पेट में अल्सर हो गया,
तो भी उन्होंने बताया तक नहीं, ताकि दवा पे पैसा खर्च ना हो। मैंने मेरे सारे जेवर बेच दिए, कितनी उम्मीदें थी सारे घर की तुम्हारे ऊपर। अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप लोगों के बस में जितना था आपने किया, मेरे बस में जितना था मैंने किया। उसके बावजूद भी आप बार बार मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं, मुझे मालूम नहीं। अच्छा पानी के बारे में घर में तो ध्यान रखना ध्यान से। तुम चाहते हो कि तुम्हारी इन हरकतों को मैं जस्टिफाई करूं? देखो शशि, मैं शराफत और इंसानियत के साथ जीना चाहता हूं। आपकी शराफत और इंसानियत एक ढोंग है, अपनी बुजदिली को छुपाने का एक नकाम। जब मुझे नौकरी से निकाला गया था तब भी आपने शराफत और इंसानियत की दलील दी थी, नहीं? तुम चाहते हो कि मैं सीधी तरह नौकरी करने के बजाय तुम्हारी तरह एक यूनियन का लीडर बन जाता, मालिकों के खिलाफ आवाज उठाता और नौकरी से निकाल दिया जाता। तो आप क्या चाहते हैं, मैं भी आपकी तरह मालिकों के तलवे चाटू? शशि, बड़े भाई से इस तरह बात की जाती है? सवाल छोटे या बड़े भाई का नहीं है भाभी, बात मेंटालिटी की है। ये लोग हमेशा अपने आप को गुलाम समझते हैं जिनकी नौकरी करते हैं। ये समझना नहीं चाहते कि जितनी इन्हें काम देने वालों की जरूरत है उतनी उन्हें भी तो काम करने वालों की, इसीलिए जुल्म सहते हैं। न सिर्फ जुल्म सहते हैं बल्कि दूसरों को भी जुल्म सहने की आदत डालने में मजबूर करते हैं। जब मैंने वर्कर्स के हक के लिए आवाज उठाई तो मालिकों ने मुझे निकाल दिया, पर किसी मजदूर ने मेरे लिए आवाज उठाई? औरों की बात तो छोड़िए, भैया भी किसी कोने में दुब के बैठ गए थे। तो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? अपना हक लड़कर मांगने की ताकत जिसमें नहीं है उससे लड़के मुझे क्या करना? मेरा अपना एक तरीका है जीने का, बस वैसे जी रहा हूं। इसी तरीके से जीना है तो कहीं और जाकर रहो तुम। इस घर पे जितना हक आपका है उतना मेरा भी है। मुझे यहां की आबो हवा बहुत राहत आती है, आपको नहीं आती होगी। आप जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। चले जाएंगे, चले जाएंगे। जिस दिन हम मकान खरीदने के काबिल हो जाएंगे इस नर्क को छोड़कर चले जाएंगे। जैसे आप लोगों की मर्जी। अर्जुन, अर्जुन! अरे अर्जुन नहीं है, सुबह से बाहर चला गया है। कहाँ चला गया? अरे मुझे क्या मालूम बाबा, मुझे बता के जाता है क्या? आवारा गर्दी करने के लिए ना ही उसके पास एक ठिकाना है ना ही एक दोस्त। बाबा अभी कौन सा नंबर का बस गया? 212। ए तू उधर क्या देखता है, बस तो इधर से आता है। ए बाबा तेरे को कौन सा नंबर का बस जाने का है? 26 नंबर। 26 नंबर का बस इधर से नहीं जाता है, वो स्टॉप से जाता है। जाता नहीं आता है, वो देख अपना बस उधर से आता है। और चुप कर, ज्यादा बात नहीं करने का, समझा? ए तू मेरे नकल कटा है, मैं तेरा टांग तोड़ेगा। अबे टांग? ए क्या कटा है? देखा मेरा पसंदी देख के डर गया।
एक चांस दे रहा है। कौन सा कमरा सर? 203। आखिरी दो टिकट छह बारह तीन चाहिए यार। है क्या? इधर 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 चल बढ़िया ना यार, अपना टिकट दे रहा हूँ, जा मजा कर। ठीक है, ठीक है। छः का बारह, छः का बारह, छः का बारह, छः का बारह, छः का बारह। क्यों, कैसे चल रही है पिक्चर? पिक्चर तो सुपर हिट चल रही है सुबलिया। अच्छा। पब्लिक टूट पड़े ली है बाप। क्या भाव मेरे? 20-20 रुपए का भाव तो पब्लिक खूब दे रही है क्या? चलो अच्छा हुआ। अरे ये टाइगर वाड़ी का लौंडा है ना? वही दिखता है शायद। ब्लैक कर रहा है। चलो चलो देख तो लो उसे। चलो क्यों बे कौवे, कितने टिकट बेचे? तेरे को क्या करने का है? चल माल निकाल। चल निकाल। अबे हाथ चमड़े का हाथ मत लगा। क्यों बे, अपने एरिया में अपने से ज्यादा गिरी? एरिया का तेरे बाप का है क्या? बाप का नाम लेता हूँ। चलो ए, पुलिस आ रही है, निकल लो। चलो बेटा तकदीर अच्छी बोली। चल पंडित, मैं रवि भाई को बुलाता हूँ। कहाँ है टिकट? निकाल निकाल। कितने? अपने पास नहीं है टिकट, निकाल टिकट। अरे मारता क्यों है तुम? तुम बोलता है? किसको बोलता है तुम? निकाल। एक तो पूरा कपड़ा देख लिया, आपका नंगा करके देखोगे क्या? तुम साले भाग क्यों था तुम वहां से? तो क्या करेगा? तुम हाथ उठाता है फिर बात करता है, तो क्या मार खाने के लिए रुका गया क्या? क्या बात है? साला ब्लैक करता है। लेकिन ये तो कह रहे नहीं कर रहा था। इसके पास चाहिए। मैडम आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। आप ही के काम में मदद कर रही हूँ, मैं ऐसे जानती हूँ। ये हमारे मोहल्ले का लड़का है, ये ऐसे काम नहीं करता, छोड़ दीजिए आप इसे। तो आप सोशल वर्कर हैं? ठीक है, आज तो मैं इसे आपके कहने से छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा जब भी ये टिकट के साथ पकड़ा गया पहले आप ही के पास लेकर आऊंगा। एनीवे थैंक यू। चलो घर चलो। अरे अभी तो इधर ही थे। ए, लाला पकड़ा गया क्या? पकड़ा तो गया पर पुलिस से नहीं, वो सामने वाली आई है ना वो ले गई। नहीं 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 लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। इतनी मारपीट करते हो, इतनी मार खाते हो और इतनी सी दवा से घबराते हो? वो मारपीट की तो आदत हो गई है ना अपन को, दवाई की आदत नहीं है। रहते कहाँ हो? आप ही के घर रहता। हाँ, मैं और चक्रे बाहर वाले आंगन में सोते थे, आपको घर मिल गया और अपन बेघर हो गए। क्यों, माँ बाप नहीं है तुम्हारे? थे, बचपन में ही गुजर गए। बाप का तो चेहरा भी याद नहीं मेरे को, माँ का चेहरा कभी कभी दिख जाता है। उसके गुजरने के बाद घर तो छूट गया अपना, लेकिन मोहल्ला नहीं छूटा। अभी माँ बाप भाई बहन सब कुछ रवि भाई है मेरे लिए। ले दूध पी ले। नहीं अको। अरे पी ले, जख्म जल्दी भर जाएंगे। ले। कितने पढ़े हो? तीसरी क्लास तक पढ़ा था फिर छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दी तो दुख नहीं होता? पहले पहले होता था, लेकिन जब से इंजीनियर लोग के साथ खड़ा रहता हूँ ना
तब से नहीं होता। अरे तुम लोग धूप में बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अरे आओ, तुम्हारा दोस्त भी अंदर है, आओ। अरे बैठो ना, आओ। अंदर आइए ना। क्यों लालिया, अपने दोस्तों से मिलवाओगे नहीं? हाँ हाँ, वो है रवि भाई जिनके बारे में मैं अभी भी बोल रहा था, ये है शशि भाई, दुनिया के बारे में सब कुछ जानते, और ये अर्जुन इंजीनियर है, और ये अपना भिड़ू चक्रिया। क्या काम करते हो तुम लोग? जी हम सब बेकार हैं, काम नहीं हमारे पास, यहीं अपना वक्त काटते थे आपके बरामदे में। अच्छा, तो इसीलिए आप हमें यहाँ से भगा देना चाहते थे? नहीं, वो मेरा आइडिया नहीं था, वो रवि का ही। हाँ, वो रवि का ही प्लान था। एक बात बताएंगे, आप दोनों को हम लोगों ने इतना सताया, फिर भी आपने लालिया को पुलिस के हवाले करने के बजाय बचाया क्यों? इसलिए कि लालिया ने ब्लैक में टिकट बेचे ही नहीं थे। क्यों लालिया? हाँ हाँ हाँ, मैं उस संस्था के लिए काम करती थी जो आवारा बेकार लड़कों को सुधारने की कोशिश करती है, और तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, सिर्फ काम नहीं है तुम्हारे पास, जिस दिन वो मिल जाएगा तो फिर यहाँ थोड़े ही खड़े रहोगे तुम। रही तुम्हारी बदमाशियों की बात, वो तो मैं भी करती हूँ कभी कभार, पूछ लो मैं इसे। अरे बदमाशियाँ तुम लोग नहीं करोगे तो क्या मेरे जैसे बुढ़िया करेगी? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें देखती हूँ ना तो इसके बाप की याद आती है, हर दूसरे दिन हमारे घर के सामने भीड़ लगी रहती थी शिकायत करने वालों की, किसी के घर का कांच तोड़ दिया, किसी के आम चुरा लिए, किसी को पीट दिया। ओहो क्या करते थे इनके पिताजी? पुलिस में थे, मेरे दादाजी आजादी के लिए अंग्रेजों के हाथों मारे गए, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरे पिताजी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाएं। अरे इसका बाप तो बिल्कुल बदमाश था अपने बाप की तरह, एक जगह पर नहीं टिकता था, पुलिस में भर्ती हो गया, बहुत सारे मेडल मिले उसे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बन गया, बड़ा घर दिया था सरकार ने, लेकिन घर में रिश्वत का एक ढेला भी कभी नहीं लाता था। साल भर पहले अपने लोगों के हाथों ही मारा गया। अपने ही लोग? कल्याण में दो दलों के बीच फसाद हुआ था, जान खतरे में डालकर वहां गया था, अंधेरे में किसी ने चुरा खोप दिया, बहुत देर तक तड़पता रहा, अस्पताल पहुंचने के पहले चल बसा, बहुत बड़ा मेडल दिया गया था उसे, मैंने मैंने इन इन हाथों से माफ कीजिएगा, अगर हमारी वजह से कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, आप लोगों ने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं यूनाइटेड प्रेस में था, प्रेस की यूनियन का भी काम करता था, कुछ मांगों की वजह से प्रेस में स्ट्राइक हो गई, फ्लॉप हो गई, और जितने लोग यूनियन को सपोर्ट किया करते थे उन सबको निकाल दिया गया, तब से बेकार हूं। 3 साल हो गए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घर बैठा हूं, नौकरी नहीं है।
अब आप उस संस्था में नहीं जाती क्या? पिताजी के गुजरने के बाद नौकरी कर रही हूँ सक्सेना इंजीनियरिंग कंपनी में। अब तो जब वक्त मिलता है तो ही उस संस्था में जाती हूँ। अरे माई मुझे दो लाओ। थैंक यू। रवि आप क्या करते हैं? मटका समझते हैं आप? जुआ, उसके अड्डे पे हिसाब किताब का काम करता हूं। गणित में बड़ा तेज है अपना रवि, अगर सही जगह इस्तेमाल करता ना तो बहुत बड़ा आदमी बनता। लेकिन पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? वो तो हमें भी नहीं बताया अभी तक। अपने आप में ही घुटता रहता है। अपने एहसास को यूं दबाओ मत रवि, कह दोगे तो ही भूल पाओगे उसे। क्या हुआ बेटे, मुझे नहीं बताओगे? कोई गलती हुई थी तुमसे? ये क्या हो रहा है सर? आप खुद ही कॉपी कर रहे? तुम अपना काम करो, तुम्हें बीच में दखल देने की क्या जरूरत है? मैं तो अपना ही काम कर रहा हूं, लेकिन आप अपना काम छोड़कर किसी और का काम कर रहे हैं। यार तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें चाहिए तुम भी लिखवा लो। चल मैं इतना नामर्द नहीं हूं। अपने आप को स्कॉलर समझते हो तो अपना पेपर लिखो। आपको शर्म आनी चाहिए अपने रोजी रोटी के साथ गद्दारी करते हुए। ओ बैठो, हमें लिखने दो। ओ बैठो, ये छोड़ना यार, बैठ। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मेरा साथ देने के बजाय मुझे ही चुप करा रहे। कल यही लोग हमसे नौकरी छीन लेंगे अपने झूठे मार्क लिस्ट के बल पर। चीट्स, शट अप, यू शट अप एंड स्टॉप दिस। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? हां देखना है। ये अभी लेके प्रिंसिपल के पास जाता हूं, देखता हूं तुम्हें कौन बचा था। पेपर दो। क्यों, ये तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ इसलिए? पकड़ पकड़ मैं रविंद्र केलकर, बीकॉम क्लास में। जानता हूं मैं, लेकिन क्लास में तुमने बाल क्यों मचा रखा? सर हमारी क्लास में मास कॉपिंग चल रही है और वो एक सुपरवाइजर एक लड़के को खुद। जानते हो लड़का कौन है? गुप्ता टेक्सटाइल्स के आरके गुप्ता का लड़का। उनकी मदद की वजह से तो ये कॉलेज चल रहा है। जाओ अपना काम करो। तो सर आप भी कहा ना, अपना पेपर लिखो जाकर। सर ये आपके कंसेंट से? तो फिर फर्ज क्यों सर, सीधी डिग्री दिलवा देते उनको। चुप कराओ, तुम यहां परीक्षा देने आए हो तमाशा करने? मैं भी यही पूछ रहा हूं सर, ये परीक्षा या तमाशा? सर आप नहीं जानते मैं दिन भर कड़कती धूप में रास्ते बनाने का काम करता हूं, रात के कॉलेज में पढ़ता हूं, कर सकता इसलिए किसी से मांग कर लाता हूं। और यहां आकर देखता हूं तो जिनके अवकाश दिए पेपर को हाथ लगाने की वो ये और सर आप भी उनके सूत्रधार बन बैठे। तुम मुझे काम लगा रहे हो, जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? अंजाम तो आप देखेंगे सर, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, मैं यूनिवर्सिटी के कुलगुरु तक जाऊंगा। अच्छा ताबिकर, इसके खिलाफ मुझे रिपोर्ट लिख के दे दो। ये क्लास में कॉपी करते वक्त पकड़ा गया और अपने को सरेंडर करने के बजाय सुपरवाइजर से मारपीट की और क्लास को डिस्टर्ब किया। आई प्रॉमिस यू मिस्टर केलकर, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से डिबार कर दूंगा। 3 साल के लिए तुम किसी भी परीक्षा में बैठने पाओगे। गगाराम, इसके पेपर छीन लो, धक्के मार के बाहर निकाल दो इस गुंडे को। ये आकर कौन सा पुलिस,
छोड़ूंगा नहीं सर, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये ना इंसाफ है सर, ये ना इंसाफ है, ये ना इंसाफ है सर। सर मैं लोग क्या होगा सर, सर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं सर, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा सर, सर ये ना इंसाफ। प्रिंसिपल पे हमला करने की जुर्म में मुझे 1 साल की जेल हो गई, नौकरी से निकाला गया। जेल में पता चला गुप्ता और उसके साथी फर्स्ट क्लास में पास हो गए और मुझे यूनिवर्सिटी से 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया। अरे लालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? मालूम नहीं अपन को। मैं तो क्या बात है? आपसे कुछ कहने आया था। कहो ना। कल रात में मैंने मेरी माँ का चेहरा देखा सपने में। वो वही प्रार्थना कर रही थी रात वाली। पुलिस से तो अपन ने झूठ बोला, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलेगा। कल मैंने ब्लैक में टिकट बेचा। हाँ अपन ब्लैक कर रहा था, हाँ अपन ब्लैक कर रहा था। ये जल्दी टाइप कर देना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। I want to meet Mr. Saxena, please. Just a minute. Hello. Okay, send her in. Please. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Miss Anita. Yes, Miss Anita. Sir, मुझे आपसे एक important बात करनी थी। बोलिए। Oh, don't worry, ये मेरे दोस्त हैं Mr. Gupta of Gupta Textiles. ये Miss Anita है हमारी नई labor officer. बैठिए। थैंक यू सर। क्या बात है मिस अनीता? सर हरी सिंह पहरेदार के केस के बारे में मुझे कुछ कहना है। हरी सिंह? उसके बारे में क्या है? उस कमीने को उसकी गंदी हरकतों की सजा मिलनी ही चाहिए थी। नाउ यू डोंट टेल मी कि आपको उससे हमदर्दी है। वो बात नहीं है सर, मुझे लगता है इस केस में मैनेजमेंट ने जो स्टैंड लिया है वो ठीक नहीं है। वो कैसे? अरे भाई हुआ क्या? बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। हमारी कंपनी में हरी सिंह नामक एक वॉचमैन था। इस हरी सिंह की नजर हमारी कंपनी के वर्कर रामलाल की पत्नी, क्या नाम है उसका? लाली। दैट्स करेक्ट, लाली पर थी। एक दिन मौका पाकर हरी सिंह ने लाली को छेड़ने की कोशिश की। लाली ने इस बात की शिकायत रामलाल से की और रामलाल ने कुछ दिनों बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ कंपनी के कंपाउंड में हरी सिंह की पिटाई कर दी, जिसमें उसके दोनों हाथ और एक टांग खराब हो गई। अब रामलाल तो अंदर जेल में चला गया और हरी सिंह इस बात का कंपनी से कंपनसेशन मांग रहा है, जबकि ये उसकी जाति दुश्मनी का नतीजा था। कॉम्पनसेशन किस बात का? ये तो सरासर लूट है। ये बात सच नहीं है सर। मेरी नॉलेज में लाली अपनी गाय चराने हमेशा कंपनी के कंपाउंड में आती थी। हरी सिंह ने उसे कई बार मना किया, मगर जब वो नहीं मानी तब उसने उसे डांटा और मैनेजमेंट में रामलाल की शिकायत करने की धमकी दी, जिस पर रामलाल ने हरी सिंह को पीटा। जब हरी सिंह पीटा गया तब वो सुबह की शिफ्ट में हाजिर था और अपनी वर्दी पहने हुए था, इसलिए मेरे हिसाब से उसका नुकसान ड्यूटी पर और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हुआ है। एक बात बताइए, आप काम कंपनी के लिए कर रहे हैं या मजदूरों के लिए? तनख्वाह तो आप देते हैं, लेकिन मेरा काम दोनों के ताल्लुकात अच्छे रखने का है। तो क्या आप समझती हैं कि कंपनी का नुकसान करने के बाद वो ताल्लुकात अच्छे रहेंगे? मैं तो कंपनी का फायदा कर रही हूँ। वो कैसे? सारे वर्कर्स असलियत जानते हैं सर, सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से चुप हैं। अगर हरी सिंह को कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो उनका विश्वास मैनेजमेंट पर से उठ जाएगा। कोई भी मजदूर जरा भी रिस्क लेकर काम नहीं करेगा, उसका नतीजा क्या होगा आप जानते हैं। हरी सिंह को कॉम्पनसेशन देके हम सारे मजदूरों का विश्वास हासिल कर लें तो मेरे ख्याल में ये काफी सस्ता सौदा होगा। आप सोच लीजिए, मैं चलती हूँ।
वेरी स्मार्ट गर्ल है ना मिस्टर गुप्ता? सिर्फ स्मार्ट नहीं, खतरनाक भी। ये लड़की और खतरनाक? हाँ, पता है मेरे पापा ने फैक्ट्री का कारोबार मुझे सौंपने से पहले क्या कहा था? क्या? बेटे, दुनिया में सिर्फ उन लोगों से बच के रहना जो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की बातें करते हैं। ये लोग उन भावनाओं में बहाकर तुम्हें कब डुबो दे पता भी नहीं चलेगा। फिर बिजनेसमैन सक्सेना, भावनाओं में बहना हमारे लिए ठीक नहीं। ये लड़की तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकती है। हो सके तो इसे चल से चलने। ये तो सिंह साहब का बेटा है, शिमला में पढ़ता है, छुट्टियों में आया है। चलो आप पापा के पास चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा, अभी नहीं। एक साथ पर पहले मुझे बोलिंग डालो, जल्दी डालो। बोल दो। पहले अपना नाम बताओ। एक शर्त पर, गॉगल दिखाओ। देखो, हर काम करने के लिए तुम कोई ना कोई शर्त रखते हो। बड़े लोग इसे ब्लैकमेल कहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी? फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगा। अमन! Come on, my son, come on. My lovely darling, huh? क्या आपको कहीं मैं छोड़ दूं? No, thank you. माई, ये क्या? माई दे 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 दे, मैं पकड़ता हूँ। दे माई लाइ। माई इतना सारा सामान लेके पैदल आ रही थी? हफ्ते भर का सामान था, सोचा ऑटो या टैक्सी ले लूंगी, लेकिन घर तक आने के लिए कोई तैयार नहीं। कहते हैं परवड़ता है। ऑटो रुके, रुके। ए, किधर जाने का? साइकिल पार्टी। उधर नहीं जाने का। चल चल सामान उतार। जाएगा कैसा? नहीं रे, ए बोला ना नहीं जाने का। ए साले, जाएगा कैसा? नहीं यार, बोला ना नहीं जाने का, कमाल है। ए, साले अंदर करवा दूंगा, समझा? हाँ हाँ, जा पुलिस स्टेशन, मांगता है तो नंबर दूं क्या? साथ में आता है। अरे मार रहे हैं उसे। ए रवि, क्या कर रहे हो? ये लोग यही जबान समझते हैं। बैठो, चल निकल। रुक रहा। देखो माँ, वो लड़का आ गया। अच्छा, मैं भी देख लूं। अच्छा तो ये है, गाड़ी है, पैसे वाला दिखता है। भाग खुल गए देसाई की लड़की के। ये कौन है माँ? अरे वो मंदा का मंगेतर है, पिछले ही हफ्ते शादी तय हो गई उसकी।
बंदा? क्या है? मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। जो कुछ कहना जल्दी कहिए। वो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। लेकिन मैं नहीं चाहती। क्यों? इतनी सी बात कहने के लिए तुमने इतने साल लगा दिए, शादी तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। मैं तो इसलिए हिचकिचा रहा था इनो कि मैं बेकार हूँ, नौकरी नहीं है ना। तो क्या हुआ, नौकरी ही तो नहीं है, इंजीनियर हो तभी भी मिल जाएगी। और फिर अगर पहले से ही मिल गई होती तो शायद मेरी तरफ देखते भी नहीं। रूठ निकल। क्या है? मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। जो कुछ कहना है जल्दी कहिए। वो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। लेकिन मैं नहीं चाहती। क्यों? इसलिए कि तुम बेकार हो। मंदा, तुम नहीं जानती मैं इंजीनियर हूँ। तो क्या हुआ, हो तो बेकार ही ना। देखिए, आप मुझसे बातें ना कीजिए, जाइए यहाँ से। सुनो मेरी बात मंदा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएगी नौकरी। आई एम ट्राइंग। सो कीप ऑन ट्राइंग। सुना, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। बहुत ठीक सुना। सब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? एक तंखोली जिसमें तुम्हारी माँ और बहन को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिन पैसों पे तुम पलते हो वो सब जानती हूँ कहाँ से आते हैं। बकवास मत करो मंदा। आंखें किसे दिखाती हो, 200 रुपए की नौकरी तो मिलती नहीं और प्यार करने चले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? मंदा, डोंट गेट एंग्री प्लीज मंदा। देखिए, आप जाइए मंदा प्लीज। मैंने कहा ना, आप जाइए मंदा। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी मंदा। अगर आप नहीं गए तो मुझे पुलिस को बुलवाना पड़ेगा, और उसका अंजाम क्या होगा इसकी जिम्मेदार मैं नहीं। अर्जुन, तू चुप क्यों है रे? जानता नहीं क्या? वो मंदा है ना, कान्हा देसाई की लड़की है, उसकी शादी तय हो गई, इसीलिए देवदास बना घूमता है। ए, एक बात बता, तू उसकी शादी में तो जाएगा, वहां पर एक गाना भी गाना। तेरी शादी पे दू तुझको तोहफा क्या? तो लगा क्या है क्या? एक तो क्या हुआ, वो नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। यार, और करते करते पूरा मोहल्ला खाली हो जाएगा और तुम यही सड़ते रहोगे उनके बाल बच्चों को चॉकलेट खिलाने के लिए। बेटे, मामा को नमस्ते बोलो। बाय। चलता हूँ। ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? उस हरामजादे के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुक है? तुम्हें वो तनख्वाह सिर्फ ऑफिस में काम करने की देता है, ओवर टाइम भी करनी पड़ती है रात को? अर्जुन, तू ये क्या बक रहा है? तुम चुप करो माँ, तुम सिर्फ इतना जानती हो कि नौकरी करने जाती है। नौकरी के अलावा ये इसके साथ कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करने जाती है, तुमको मालूम है? मुझे पता है, पहले पहले तो होटलों में जाते देखा था उस कमीने के साथ, अब तो ये खुली सड़कों में उसके साथ रंगडंग करने लगी है। माँ, जानती हो सारा मोहल्ला इसकी वजह से, इसके चाल चलन की वजह से मुझे ताने देने लगा है। तुम्हारा बॉस वो रास्किल अपने आप को समझता क्या है? उसके पास बिजनेस है, गाड़ी है, फ्लैट है, तो क्या वो सारी दुनिया की लड़कियों को अपने नाम पे कर लेगा? वो जब चाहे किसी के ऊपर भी हाथ डाल सकता है। अर्जुन, ये वही लोग हैं माँ जिन्होंने हमारी जिंदगी हराम कर रखी है, अपने पैसों के जोर पे हमारी हर खुशी छीनते जा रहे हैं, हमारी दुनिया को उन्होंने 3 पैसे का तमाशा बना रखा है। जिस किसी दिन मेरे हाथे पड़ गया ना वो, तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं जान से मार डालूंगा। मगर तुम उन्हें मार नहीं सकोगे क्योंकि तुम हार चुके हो। तुम्हारा चिल्लाना एक हारे हुए आदमी का रोना है, वरना उन्हें रास्कल या हरामजादा कहने से पहले या मुझे कोसने से पहले सच्चाई को समझने की कोशिश करते। आज मैं शादी की उम्र पार कर चुकी हूँ, क्या बाकी लड़कियों की तरह मेरे अरमान नहीं है? लेकिन मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं अगर चली गई तो इस घर को बिखरते देर नहीं लगेगी। सड़क पर भीख मांगते नजर आओगे, और तुम मुझे नैतिकता का उपदेश दे रहे हो? अगर इतना ही ख्याल है इस घर का और अपनी बहन की इज्जत का, तो
तो पहले जाकर एक नौकरी हासिल कर लो और जिस दिन वो मिल जाए तब आकर अपना हक जताना। बेकारों की भावनाओं की कीमत मेरे नजरों में दो कौड़े की भी नहीं है। एक सिगरेट दे। अबे देखता क्या, दे रहा हूं ना पैसे? दे रहा हूं ना, कमाल है। चल बे जोगरे, एक पान लगा बनारसी 320 कच्चा पक्का, चुना ज्यादा। हाँ देखते हैं, जल्दी कर। क्यों बे, इस गली में बहुत दूध वाली गाय चाहिए तेरे को? मार डालेगा इससे? मार डालूंगा, सबको जान से मार डालूंगा मैं। नहीं बेटे, नहीं ऐसा नहीं करते बेटे, मारपीट नहीं करते बेटे, मारपीट करने से दुश्मनी बढ़ती है, ये झगड़ा अच्छा नहीं बेटे। तू नहीं जानती आई, ये सिर्फ एक ही जबान समझते हैं, इसकी। हे भगवान, ये टाइकलवाड़ी के लड़के कुछ ज्यादा ही फुदकने लगे हैं। क्या नाम बताया उस लौंडे का? अर्जुन। कहाँ रहता है? राजेंद्र बिल्डिंग, पहला माला। कल ही धर लेंगे साले को, दिन में नहीं मिला तो रात को उठा के लाएंगे घर से, काट के रख देंगे साले को। लिसन लिसन, अब वो नहीं छोड़ेंगे तुझे, अकेले में पकड़ेंगे, रात को उठा ले जाएंगे घर से। तो आने देना, एक एक को देख लूंगा, मैं किसे कहूं क्या? इसमें तेरी भी तो जान जा सकती है। तो जाने देना जान, लेकिन जाते जाते तीन चार को लेके जाऊंगा, मरने से कौन डरता है यार। Don't talk shit. It's not shit, यार। Don't talk shit. सवाल मौत का नहीं है अर्जुन, सवाल यह है कि वो मौत आती कैसे। 3 बरस पहले जब मुझे तू पहली बार मिला था ना, तो तेरे दिल में एक आग सी थी कुछ कर दिखाने की, देखते देखते तू कितना बदल गया यार। अर्जुन, तू सोचता होगा कल तक लड़ने की बात करने वाला आज कितनी बुजदिली की बात कर रहा है ना? लेकिन इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन हम दादी के घर बैठे प्रार्थना सुन रहे थे। आज भी वो प्रार्थना मुझे परेशान करती है, हॉट करती है, मैं चैन से सो नहीं पाता अर्जुन। देख अर्जुन, जितने फक्र के साथ अनीता अपने दादा और पिताजी के मौत का जिक्र करती है ना, उतने फक्र के साथ तेरे घर वाले तेरे मौत पर कर पाएंगे, कर पाएंगे। हमें लफड़ा नहीं चाहिए अर्जुन, चल सुबले के पास, उसे माफी मांग। अगर उसके बाद भी कोई दुश्मनी बचती है उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसे मैं नहीं बदलूंगा।
मैं चीर समझ कर खा लूंगा तेरी जूती भी तेरी गाली भी मैं कैसे आ जाती फिर तेरी याद में हो गई तेरी याद चुप करो क्या हो रहा है ये सब माल मचा रखा तुम लोगों ने चलो सब बुला रहे और मैं तुम्हारी जमानत देने नहीं आया क्योंकि मेरी उतनी ताकत नहीं है मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मैंने अपना तबादला कानपुर में करा लिया है अपनी फैमिली के साथ कल सुबह की गाड़ी से मैं चला जाऊंगा मैं तुम्हें अपना पता नहीं दूंगा और शायद तुम भी जा हम दोनों सगे भाई होने के बावजूद कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सके इस अनचाहे नाते को यहीं तोड़ना अच्छा होगा ये तुम्हारे घर की चाबी आज बहुत खुश हूं मैं चार साल बाद एक बार फिर से नया मोड़ आया जिंदगी में चार साल जब से नौकरी गई त्रिशंकु की जिंदगी जी रहा था मैं नाजायज कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरी जड़ें मुझे खींचती थी जिनका लिहाज करता था भाई रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग उनकी नजरों में कब का गिर चुका था मैं दोनों तरफ से मारा गया था आज ये रिश्ता भाई ने तोड़कर एहसान किया आजाद हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं कोई पूछने वाला नहीं किसी की परवाह नहीं चलो साहब बुलाते हैं तुम सब लोग चुप क्यों हो खाओ हमें छुड़ाकर आप सोच रही होंगी बहुत एहसान किया है हम पे नहीं आपकी भूल है अब मैं वहीं वापस ले आई जहां हमारा जी कुटता है कोई कीमत नहीं है हमारी महीने साल पर जेल में रह जाते तो शायद छुटकारा मिल जाता इस जिंदगी से क्यों जेल जाने से तुम्हारे कौन से प्रॉब्लम्स हल हो जाते आज ना तो हम अपना हक मांगने के काबिल रहे न छीनने के क्योंकि डिग्री का कागज जो मेरे चेहरे पे चिपका है ना इससे अच्छी नौकरी तो नहीं मिलती लेकिन अच्छे चाल चलन की उम्मीद रखता है हर कोई इस डिग्री के एवज में अगर एक ठप्पा जेल का लग जाता ना तो सारी उम्मीदें तो मिट जाती
जेल का ठप्पा तो रवि पर भी लगा हुआ है, उसका क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा गुंडा बन गया, ठप्पा लग गया, लाइसेंस मिल गया मुझे, किसे मैं चक्कू लेके घूम सकता हूँ? ना तो तुम बदमाश हो और ना ही गुंडे। मुझे लगता है सिर्फ बेकारी की वजह से तुम अपने आपे से बाहर चले गए हो। तुम सब में सब गुण है बेटे, सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है श्रद्धा। आप क्या चाहती है, हम मंदिर में जाके भजन करते बैठे? श्रद्धा सिर्फ भगवान पर रखी जा सकती है, ये तुमसे किसने कहा बेटे? वो तो अपनी मन की भावना है, श्रद्धा तो अपनी माँ बाप देश अपने लोग अपना काम किसी पर भी रखी जा सकती है। ये वही श्रद्धा है जो हर इंसान को बुरे काम करने से रोकती है, अच्छे काम करवाने पर मजबूर करती है। जिस दिन ये श्रद्धा नष्ट हुई मन से, हम जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे। वो तो ठीक है माई, लेकिन आप ही हमें बताइए कि आज है कोई इसके काबिल जिस पर श्रद्धा रखी जा सके? सारे के सारे सेल्फिश, एक जात खुदगर्ज और मतलबी लोग हैं। धर्म के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, देश के नेता भ्रष्टाचार की मूर्ति बने बैठे हैं। रिश्ते तो पैसों से बनते हैं और टूटते हैं, रही काम की बात, उसी के लिए तो सारी मारामारी है। और आप श्रद्धा की बात कर रही हैं, जो इस दुनिया में है ही नहीं। श्रद्धा के स्थान कहीं ढूंढने पर नहीं मिलते बेटे, वो अपने यकीन की बात होती है। मेरे पति को किसी ने आजादी के जंग में घसीटा नहीं था, वो उनके अंदर की आवाज थी, अपना यकीन था जो उन्हें वहां खींच कर ले गया। मेरे बेटे ने अपनी जान किसी के कहने पर नहीं दी, उन दोनों में वो श्रद्धा थी अपने देश पर अपने काम पर जो उन्हें आत्मसमर्पण की शक्ति दी गई। तुम लोग हर वक्त उसी रास्ते की ओर देखते आए हो जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। जरा ढूंढ कर देखोगे तो ऐसे कई रास्ते हैं जो तुम्हें उन्नति की तरफ ले जाएंगे। तुम्हें सहारे की क्या जरूरत है, तुम्हें एक दूसरे के सहारे बन सकते हो। अर्जुन इंजीनियर है, शशि मशीनों के बारे में जानकारी रखता है, रवि गणित जानता है, हिसाब किताब देख सकता है, लाल्या मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तुम चारों मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ जरूरत है तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास की, बस। आया मजा दिलदारा, आया मजा दिलदारा, दिल हमारा ना आवारा ना नकारा ना बेचारा, बदली है राहे मंजिल ने हमको नजदीक आके, अब है पुकारा ओ क्यों मेरे यारा, मेरे यारा क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा हो क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। आया मजा दिलदारा,
किसी से झगड़ा करेंगे, अब ना कोई हम लफड़ा करेंगे, अब ना किसी से झगड़ा करेंगे, अब ना कोई हम लफड़ा करेंगे, कसम उठा ली देंगे न गाली, कोई नहीं अब दुश्मन हमारा। समझे तदबीर से ही तकदीर बदल सकती है, हो सच्चाई से ख्वाबों की तस्वीर बदल सकती है, राज हमने जान लिया है, जग से न जीता खुद से जो हारा। मिल जाए सबको दुनिया तो क्या है, पाले वो रब को, अगर ऐसा रहबर मिल जाए सबको दुनिया तो क्या है, पाले वो रब को। रब तो सभी के दिल में बसा है, सबको उसी रहबर का सहारा। क्यों मेरे मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, ओ क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, ओ क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। सर मिस अनीता आपसे मिलना चाहती है। उससे कहो मैं बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। सॉरी मैडम, साहब बिजी हैं, आपसे नहीं मिल सकते। I'm sorry sir, पर कोई दूसरा चारा ही नहीं था। I must talk to you. I'm busy, I can't talk to you. You can go now, please. You must listen to what I have to say if you want to save your company. क्या बकवास करती हो? आपने जो एक साथ 55 लोगों को निकाला है, उन्हें वापस लेना पड़ेगा। What nonsense! तुम अच्छी तरह से जानती हो कि काम कम हो गया है, ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए, इसलिए ज्यादा वर्कर्स को उनका हक देकर निकाला गया है। वजह सिर्फ यही होती तो मैं आपको उन्हें वापस लेने को हरगिज़ न कहती। वजह ये नहीं तो फिर और क्या है? यही कि आपने अपने ऑर्डर्स एक घाटकोपर की कंपनी में दिए हैं, वहाँ ठेकेदार से माल बनवा के अपनी कंपनी का सिक्का लगा के बाजार में भेजा जा रहा है। अगर मैं उन्हें वापस न लूं तो तुम क्या कर लोगे? मुझे मजबूरन ये बात मजदूरों को बतानी पड़ेगी। Shut up, you idiot! मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस दो टके की छोकरी को नौकरी से निकाल दो। या तो ये जब नौकरी मांगने आई थी उसी वक्त घसीट लिया होता तो आज इतनी ऊपर नहीं उठती।
हाय हाय आ गई, क्या लेके आयो खाना? क्या बात है यार, बड़ी भूख लगी थी। क्या पैटिस? क्या मेरे फेवरेट है यार पैटिस तो। खाना क्यों नहीं खाया? यहाँ तो इतना काम है कि बाहर जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती यार, बिल्कुल ही। और वो तुम्हारा मैनेजर कहाँ गया? कौन, लाला? अरे भाई वो तो आजकल अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा बिजी है। ऑर्डर्स की डिलीवरी का। ये बॉम्बे केमिकल्स की स्टेशनरी का प्रिंटिंग ऑर्डर है। अरे भाई तुम ही तो जल्दी कैसे आ गई, छुट्टी वुट्टी ले ली क्या? नहीं, छुट्टी लेने की सोच रही हूँ। क्या वो? वो ही चीटिंग। मजदूरों का हक मारने के लिए रोज कोई ना कोई स्कीम निकालते हैं ये लोग, किसी से फेयर डीलिंग करना नहीं चाहते। आज तो वो बिल्कुल गंदी हरकतों पर उतर आए। इट्स गेटिंग टू मच। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती? यही तो सोच रही हूँ। हमारे यहाँ लेबर ऑफिसर की एक जगह खाली है, हाँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन लेबर का बहुत प्रॉब्लम है। ओके डन, कल ही मैं इस्तीफा दे दूंगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर। मॉर्निंग, बैठिए, ये लीजिए। ये क्या है? बढ़िया। Absolute rubbish. मैं खुद अपना इस्तीफा देने आई थी, ये लीजिए। लेकिन मैं आपका इस्तीफा नहीं ले सकता। मगर ये सरासर झूठे इल्जाम है, मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो फिर आप सक्सेना साहब से मिलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे सक्सेना साहब से फौरन मिलना है। सक्सेना साहब तो आ जाए नहीं। कहां मिलेंगे? घर पे मिलेंगे? वेल यू कैन ट्राई। धंधे में घाटा और औरतों से मात खाना दोनों ही दवे के सिस्टम में नहीं जाता है। और वैसे भी तुम उस लड़की को निकाल चुके हो। जब तक तुम्हारे वर्कर्स को मेरी घाट कोपर वाली कंपनी का पता चलेगा, वहां से तुम्हारे कागजात गायब हो चुके होंगे और वहां किसी और का माल बन रहा होगा। लेकिन वो ऑर्डर्स जिन्हें मैं पूरे नहीं कर सकूंगा, उन्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसे जानते हो मुझे लाखों का नुकसान होगा। उसने मुझे तबाह करके रख दिया है दबे। दबे एक बात बताओ, एक मामूली सी नौकरानी भरे ऑफिस में हमारी बेइज्जती करे, हमारी कंपनी को खतरा पैदा करे और हम उसे कुछ ना कर पाए, कमाल है। तो फिर ये सत्ता, ये पैसा किस काम का? तो फिर तुम और क्या चाहते हो? हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए गुप्ता ने सुबलिया को बुलवाया है। कौन है? मेरा पुराना आदमी है। जो काम कानून की मदद से नहीं होता वो मैं इसके जरिए करवाता हूं। सुबलिया, बैठा। कुछ सोचा उस लड़की के बारे में? अगर आप इशारा करो तो एक्सीडेंट करवा दूं। नहीं नहीं, असली सजा तो वो होती है जो गुनाहगार जिंदगी भर भुगतता रहे, और जब गुनाहगार लड़की हो तो सजा और भी आसान हो जाती है। क्यों कहो तो रात भर के लिए सोच लूं। नहीं सुबला, रात भर रुपये की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही यहां आ रही है। लालिया को तो मैंने क्या हुआ मुझे? चले जाओ, चले जाओ। अनीता कुछ
कुछ बोलो तो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन थे वो लोग? कौन थे? बता, कौन थे? बता कौन थे? कौन थे लोग? कौन थे वो लोग? तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ऑफिस से पता चला कि आप कल बॉम्बे से बाहर जा रहे हैं। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? आपके घर गई थी, वहां पता चला कि आप यहाँ मिलेंगे। सुबह मुझे ऑफिस से ये टर्मिनेशन ऑर्डर मिला। इसमें जो बदतमीजी, बदचलनी, मिसबिहेवियर, इनकॉम्पिटेंस के इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप इसे वापस ले तो मैं। तो तुम यहाँ सौदा करने आई हो? हाँ। आखिर तुमको अपनी गलत हंस हो ही गया। मैं यहाँ सौदा करने नहीं, अपना इस्तीफा देने आई। अच्छा, रही बात सौदे की, अगर आप उन 55 मजदूरों को वापस ले लें तो मैं वादा करती हूँ मैं यूनियन से कुछ नहीं कहूँ। वो तो तुम यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ कहने के लायक भी नहीं रहोगे। हमारे साथ गद्दारी करने का हर्ष तुम्हें आज पता चलेगा। तुम अब भी वही कहोगी जो तुम पहले कह रही थी? जिस इज्जत के बल पर तुम्हारी जुबान चल रही थी, आज उसी जुबान से तुम अपनी इज्जत की भीख मांगोगी, गिड़गिड़ाओगी। You will cry for it। मेरी इज्जत के लिए भीख मांगने से यज्ञ की रानी से सिर्फ तुम्हारा एक कार्ड सेटिस्फाई होगा। तुम मुझे चार ताले ही दोगे, तुम वही करोगे जो तुम करना चाहते हो, तो फिर मैं क्या करूंगा? बहुत बेवकूफ हो तुम। तुम नहीं जानती कि हम शरीर के अलावा दिमाग पर भी काबू करते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि हम तुम्हारे साथ क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ 12 बजे, अब से लेकर रात तक तुम ऐसे ही बंदी रहोगे, इसी तरह निर्वस्त्र, आने वाले तूफान के इंतजार में। और आने वाला हर लम्हा तुम्हें करोड़ों सालों की तरह लगेगा। पागलों की तरह तुम उस आने वाले तूफान के लिए चिल्लाओगी। ये तुम्हारा जाती मामला है, ये तुम्हारा जाती मामला है। लेकिन मैं नहीं चाहती तुम इसमें दखल दो। तुम चाहती हो वो साले हरामजादे तुम्हारी ये हालत करके उसकी सजा भी ना पाए? उनको छोड़ दें। क्यों छोड़े? ताकि वो हमेशा ऐसे जुल्म करते रहे। बिल्कुल नहीं, उन्हें सजा मिलेगी पर तुम नहीं दोगे। कौन देगा? तुम दोगी? क्यों, कानून नहीं है? मैं उसके पास जाऊंगी जहाँ सच या झूठ का फैसला सिर्फ लफ्जों की हरफ से किया जाता है। लेकिन मेरा विश्वास है कानून पे। जब तक तेरा पाला पड़ा नहीं ना कानून से, तब तक ये तेरा विश्वास रहेगा। वहां जाके पछताओगे। तुम मुझे इतनी भी आजादी नहीं दोगे कि मैं अपने विश्वास को परख सकूं? तुम्हारे लिए शायद कानून कुछ भी ना हो, मेरे सामने वो मेरे पिता बन के खड़ा है जिन्होंने अनजान लोगों के लिए अपनी जान दी। क्या उनसे मैं न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकती? मिस्टर डिफेंस काउंसिल, आप अपने बचाव की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मिलोर्ड, मैं अपने क्लाइंट्स की सफाई में सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये सब इल्जाम उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। शी इज ट्राइंग टू टेक रिवेंज। मिस्टर सक्सेना की कंपनी में मिस अनिता की हरकतें हद से बाहर गुजर चुकी थी। वो कंपनी के किसी भी डायरेक्टर के कमरे में बगैर इजाजत घुस जाती थी, बदतमीजी से पेश आती थी।
तो वसन द सिचुएशन 4 अप्रैल को मिस्टर सक्सेना के कमरे में वो बगैर इजाजत घुस आई और वहां किसी मामूली बात पर उनके पार्टनर मिस्टर गुप्ता को सारे स्टाफ के सामने मुंह पर तमाचा मारा एंड दैट वॉज द लिमिट ऑफ हर मिसबिहेवियर। दूसरे दिन मिस्टर सक्सेना ने उसे काम पर से हटा दिया तो वो मिस्टर सक्सेना को ढूंढने उनके घर पर पहुंची, जबकि अगर उसे कुछ कहना ही था तो वो बाद में उनको कंपनी में मिल सकती थी। वहां से मिस्टर दवे के मलाड वाले फार्म हाउस पर पहुंची, वहां आकर वो मिस्टर सक्सेना से काम पर वापस रखने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि वो अपनी कंपनी का डिसिप्लिन बिगाड़ना नहीं चाहते थे। जब मिस अनिता ने देखा कि मिस्टर सक्सेना ऐसे नहीं मान रहे, तब अनिता ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी। इस पर मिस्टर गुप्ता ने उसे वहां से चले जाने को कहा और वो उन सबको धमकाती हुई चली गई। बाद में पता नहीं क्या हुआ, मगर 6 अप्रैल की सुबह पुलिस वालों से पता चला कि मिस अनिता ने मेरे 4 क्लाइंट्स के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाया है। सारे सबूत, मेडिकल रिपोर्ट्स, गवाहों के बयानात और तमाम तहकीकात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस अनीता दवे के फार्म पर मिस्टर सक्सेना से मिलने खुद गई थी। ये तो साबित होता है, मगर वहां पर उसके ऊपर कोई जबरदस्ती या बलात्कार हुआ इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और ना ही कोई ठोस सबूत दिया गया है। इसलिए अदालत मुलजिमों को शक के बिना पर बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। मैं हार चुकी हूं, तुम जीत गए हो, जाओ जश्न मनाओ। पर यह बताओ, इस घर से लेने के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ देने के लिए। चले जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ। Enjoy the victory, आज इस जुबली फंक्शन में श्री दवे साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहां आए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री दवे साहब यह हार स्वीकार करें, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अब श्री दवे साहब से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद भाइयों और बहनों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे यहां बुलाकर इज्जत बख्शी है। यहां बैठकर सिगरेट पीने के बजाय अगर अंदर जाके दवे साहब के भाषण की रिपोर्ट तैयार करोगी ना तो एडिटर साहब ज्यादा खुश होंगे। वो कम से कम हफ्ते भर तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। माय फुट, ऐसी नौकरी की कौन परवाह करता है। मैं प्रेस रिपोर्टर इसलिए बनी हूँ कि मुझे जिंदगी में कुछ सेंसेशन चाहिए, हर रोज चौंका देने वाली खबरें हो, सारे देश को हिला देने वाला स्कैंडल हो। ऐसे फालतू सिल्वर जुबली फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं नहीं हूँ। देखो मैं अंदर जाके एक हाथ स्टिल हो लेता हूँ। तुम्हें सेंसेशन की ज्यादा चिंता है ना, मुझे अपनी नौकरी की। मैं तो चला। ठहरो, क्या है यार, तुम्हें फोटो चाहिए ना? मैं तुम्हें एक अच्छा फोटो देती हूँ। हाँ तुम्हें फोटो चाहिए ना, चलो लो ना, जल्दी करो, जल्दी करो ना, लो ना। ओके होल्ड इट, स्माइल, ब्यूटीफुल। तुम्हें एक और फोटो देती हूँ, देखो कितना बढ़िया पोज बनेगा। आओ इधर, इधर इधर इधर, हाँ ओके ना, हाँ ओके ब्यूटीफुल, maintain that.
हेलो हेलो सक्सेना, गुप्ता हियर। क्या यार सुबह सुबह जगा दिया यार, 10 बज गए तुम अभी तक सो रहे हो? हाँ यार, रात में देर से सोया, पार्टी पे गया था। बोल किस लिए फोन किया? यार वो दवे है ना, उसका खून हो गया। खून? किसने किया? यार पता नहीं, कोई इंस्टीट्यूट के सिल्वर जुबली फंक्शन पे गया था, वहां कोई 4 नकाबपोश लोगों ने उसे डायस पर ही तलवारों से काट दिया। माय गॉड, कौन थे वो लोग? गॉड नोस, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो ड्रग ट्रैफिकिंग के चक्कर में था। शट अप गुप्ता, ऐसी बातें फोन पर नहीं करते। गुप्ता मैं अभी थोड़ी देर में फोन करता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, हम अपने बेटे को स्विमिंग पूल ले जाएंगे, चलो जरा मुझे तैयार होने दो। ए बहुत मोटे हो गए तुम, हाँ सुजाता जरा जल्दी तैयार हो। ए मेरे बच्चे, मेरा चार लोग वही तो नहीं टाइकलवाड़ी के? उस लड़की के दोस्त थे ना? हाँ, लेकिन लगता तो नहीं कि वही लोग हैं। फिर भी मैं कल ही पता कर लेता हूं, मैं चलता हूं।
बहुत भूख लगी यार। वो ये कुछ भी दे यार। के कातिल का पता चल गया। कौन थे वो लोग? वही टाइकिल बाड़ी के छोकरे। आज सुबह गुप्ता का कत्ल करने के बाद उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। राशिद, मुझे एक पिस्तौल चाहिए, किसी भी कीमत पर। नहीं बेटे, न्याय मांगने का तुम्हारा ये रास्ता गलत है, बिल्कुल गलत है। तो तुम ये चाहती हो कि हमें उसी अन्याय को ही न्याय समझ कर चुप रहना चाहिए था? नहीं बेटे, अगर ये न्याय तुम्हें अधूरा लगता था तो उसे पराया समझकर और तोड़ना नहीं चाहिए, उसे कमजोर बनाना नहीं चाहिए था, उसे अपना समझकर और मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। हम भी तो वही चाहते हैं। आज वही न्याय है जो सत्ताधारी करते हैं, किसी की भी जिंदगी को अपने फायदे के लिए तबाह कर देते हैं। हम उनकी अनिर्बन सत्ता पे अंकुश लगाना चाहते हैं ताकि वो डर करें। वो अंकुश किस काम का जिससे दिल में डर पैदा हो, जिसके एक ही घाव से हजारों का खून बहे। हमें वो अंकुश चाहिए जो हर इंसान को एक दूसरे से प्यार करना सिखाए। रवि, तुम चुप क्यों हो? तुम समझाते क्यों नहीं इन्हें? क्या चाहती हो तुम? सिर्फ यही, जब तुम्हें अदालत में खड़ा किया जाए तब तुम अपने किए की हिमायत नहीं करोगे बल्कि माफी मांगोगे। नहीं मैं, वो चारों खून हमने सिर्फ बदले की भावना से नहीं किया बल्कि उसके जरिए हमें जाहिर करना है कि उस न्याय से हमारा विश्वास उठ गया है जिसके साये तले हम पल रहे हैं। इसलिए उसी न्याय की चौकट पर हाथ पैर चलाने वाले वकील ना तो हमारी बात समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं, और इसीलिए हम वकील लेने से इनकार करते हैं। हमें जो भी कुछ कहना है हम खुद पेश करना चाहते हैं। परमिशन ग्रांटेड। हम चारों वही महारोगियों से बदतर जिंदगी जी रहे थे जिसे न समाज में स्थान था न घर में इज्जत। लोग हमें पैरासाइट समझते थे लेकिन हम उन्हीं लोगों के हाथों की शिकार थे जिनके हाथों में सत्ता है। टाइटलवाड़ी की नुक्कड़ पर कुत्ते की तरह घूमते थे सुबह शाम। हमें साथ बांधने वाली एक ही बात थी, हमारी बेकारी। जज साहब, अपन तो पैदाइश ही बेकार था। बचपन से ही सड़कों पे भटकते हुए ये मालूम नहीं था अपने जिंदगी का मकसद क्या है, अपन क्यों जी रेला है। आने वाले दिन को काटना यही अपने लिए एक मकसद बन गया। जज साहब, जब ऐसा महसूस होने लगा कि हमारी जिंदगी इसी नुक्कड़ पर सड़ जाएगी। ये माई बैठी है ना माई, उसकी पोती अनीता ने अपन लोग को साथ दिया। ऐसा लगने लगा कि अपने जीने का कोई मकसद है। अपन ने जिंदगी में इतना खुशी कभी नहीं देखा था जज साहब, लेकिन इन हरामजादों ने सब चकनाचूर कर दिया। हमने 6 महीने तक लगातार उनके बारे में तहकीकात की तो पता चला कि हमारे जैसे सैकड़ों और भी लोग थे जो उनके अत्याचारों का शिकार हुए थे। इन लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गुप्ता के बारे में बताऊंगा। मिलोर्ड, ये गुप्ता। मिलोर्ड, गुप्ता की पिछली जिंदगी का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इन्हें वही कहने की इजाजत दी जाए जो इस मुकदमे से ताल्लुक रखती हो। मुलजिम, तुम वही कहोगे जो इस मुकदमे से ताल्लुक रखता है। इन्हें बोलने दीजिए जज साहब, ये क्या कहना चाहते हैं हम सुनना चाहते हैं। मिस्टर, आप जानते हैं आप कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि गुप्ता ने और कौन कौन से अत्याचार किए हैं। लेकिन तुम हो कौन? मैं भी उसी के अत्याचार का एक शिकार हूँ। उसी की फैक्ट्री में काम करते हुए मेरे ये दोनों हाथ कट गए। उसने मुझ पर शराब पीने का इल्जाम लगाकर फैक्ट्री से निकाल दिया। मैं उससे बदला लेना चाहता था लेकिन उसकी ताकत ने मुझे बहुत कमजोर किया। आज उसी की वजह से मेरे बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर, प्लीज टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। ताज हो गए, ये बेइंसाफी है। लेकिन सुनना तो हम भी चाहते हैं। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। यहाँ आया हुआ हर एक आदमी कभी ना कभी उनके अत्याचार का शिकार हुआ था। आज तक वो न्याय मांगते रहे,
उनको न्याय नहीं मिला। Court is adjourned for the lunch. Milord, हमने जो गुनाह किए हैं वो सिर्फ एक बदला ही नहीं बल्कि एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे, एक अंकुश लगाना चाहते थे सारी सोसाइटी पर। अगर कानून ने ना इंसाफी की तो लोग खुद कानून हाथ में लेकर अपना इंसाफ कर सकते हैं। हमने सोचा था कि यही इसका आखिरी और सही जवाब होगा, अभी तक यही सोचते रहे, मगर आज एक मासूम बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी। एक मासूम बच्चे के दिल में इतनी नफरत पैदा करने वाला जवाब कभी सही नहीं हो सकता जज साहब, अपन लोग का सोचना गलत था। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता। हम सब आपके बहुत बड़े गुनाहगार हैं, अगर आप हमें फांसी भी दे तो हमें कोई शिकवा नहीं, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अब भी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ये जो हमारा कानून है जो अधूरा है उसे और मजबूत बनाइए ताकि हमारे जैसे जवान उसे अंधे होकर भावनाओं में बहकर छू न सके। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं आप एक ऐसा अंकुश लाइए जो इस नफरत को मिटा दे, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। हम आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है,
शहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले एक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Hey.